उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। उपचुनाव में बसपा के प्रत्याशी ने मचाई धूम, ग्रामवासियों का मिल रहा पूर्ण समर्थन। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 34 का उपचुनाव होने जा रहा है, तो वही चुनाव भी बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। बसपा के प्रत्याशी प्रमोद जहां पर राजनीति के सरल स्वभाव और समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो वहीं ग्रामवासियों का पूर्ण समर्थन भी देखने को मिल रहा है। जहां पर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सलीम ने कहा कि भाजपा सरकार गूंगी बहरी सरकार है, जिसको हम 2024 में एक नया रंग दिखाएंगे। यहाँ से चलेगी, वहाँ से ऐसी है। उद्घाटन में शामिल हुआ है आज वार्ड 34 से जिला पंचायत के सदस्य प्रमोद अन्ना जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले अपने प्रमोद प्रत्याशी जी जो हैं बसपा समर्थित, और अपनी तरफ से और पूरी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी आने वाले लोगों का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक बात चुनाव लड़ने की है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से पूरे प्रदेश और देश के अंदर जनता के साथ कितना भ्रष्ट किया जा रहा है, और कितनी जनता, खास तौर पर मैं कहता हूं मुस्लिम समाज, ऐसी समाज, पिछड़े वर्ग के लोग जितने भी हैं, सब इस सरकार में परेशान हैं। और मैं ये समझता हूं कि जहां तक बात चुनाव की है, हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारा यही संदेश है कि इस बार जनता इस वार्ड 34 पर बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाकर हमारे प्रमोद भाई को जिताने का काम करेगी। फिलहाल में खाद्य पदार्थों पर भी सरकार द्वारा GST लगा दी गई है, और उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप पहले भी ये GST लगाई गई थी, और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं बल्कि हर चंद महीनों के बाद कुछ ना कुछ कानून लाती रहती है, और जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस भोली भारतीय जनता को ठगने का काम किया था, वो समझ चुकी है, और वो समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमें नफरत के नाम पर बांटने का काम कर रही है, और जनता उससे आगाह होकर और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पूरे देश और प्रदेश में बदलने का काम करेगी। और हमारी आवाज में कहना चाहता हूँ कि ये संदेश इसी वार्ड से जाएगा, पूरे जिला मुजफ्फरनगर से, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, के बहुजन समाज पार्टी के जैसे पहले पदाधिकारी कार्यकर्ता काम कर रहे थे, अब इसी तरह काम करते हुए जनता को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जनता ने जिताने का काम कर फसलों से उड़ान होती है। और रही बात अन्ना जी की, इनका एक आपने सुना होगा कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, उन्हें तो खुद ही तय करनी पड़ती हैं अपनी मंजिलें उड़ जाने की, और जो रखते हैं हौसला आसमान को छूने का, उन्हें फिक्र नहीं होती आसमान से जमीन पे गिर जाने की। ये वार्ड नंबर 34 जिला पंचायत का चुनाव है, और बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, और आज हमारे बीच में जिला पार्टी के अध्यक्ष और जो मीरापुर विधानसभा चुनाव लड़े थे मौलाना सलीम जी और संजय रवि जी, जो ऑलरेडी जिला पंचायत सदस्य हैं, सॉरी बहुजन समाज पार्टी की टीम आई है और हमारे कार्यालय का, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया है। सर, किन मुद्दों को लेकर? जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में मैदान में है, जनता के काफ़ी मुद्दे हैं इसमें। जिला पंचायत में खेतों की जो सड़कें हैं वो मेन मुख्य मुद्दा है, उसको बीच लेके जनता के बीच जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे।